जी नमस्ते जी। नमस्ते। पुनः सर नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो तो गए हुए कहीं काम से। कितनी देर में आएंगे? काफ़ी टाइम हो गया उनको गए हुए, शायद आते ही होंगे। कुछ काम था आपको? हाँ, मिलना था। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पर वेट कर लीजिए। ठीक। अच्छा, तू यहाँ कैसे? 4 साल बाद दिखाई दिया है, क्या कर रहा था इतने टाइम से? ये मिठाई है, मैंने अपनी दुकान कर ली है कॉस्मेटिक की। दरअसल आपने जब मुझे दुकान से निकाला था ना, उसके बाद जो है मैंने मेहनत की और अपने आप को इस काबिल बनाया कि मैं दुकान खोल सकूं, अपनी दुकान। आपने तो मुझे ये कह के निकाल दिया था ना कि तेरी औकात नहीं है दुकान करने की। मैं आपको शिकायत नहीं करने आया, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं आया, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप मुझे उस टाइम दुकान से ना निकालते तो आज मैं अपनी दुकान नहीं कर पाता। कई बार इंसान जो करता है ना, उसे उस टाइम बुरा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन ऊपर वाला ना सोच समझ के करता है और वो उसके भले के लिए होता है। ना तो मुझे उस दुकान से ना बेइज्जत करके निकालते और ना मेरे मन में आती कि अपनी दुकान करनी है, ना जिद करता मैं। मैंने मन में ठान ली थी कि अब अपनी दुकान करके रहूँगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं तुम्हें जब भी याद करता हूँ ना, तो खुश होकर करता हूँ कि पुनीत सर ने अगर मुझे ना निकाला होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। मतलब कभी मन में बुरा ला के नहीं सोचता, आपके बारे में बुरा मन में लाता ही नहीं मैं। एहसान मानता हूँ आपका कि अगर आप मुझे ना निकालते तो मैं यहाँ कैसे पहुँचता। तो बस ये बताना चाहता था कि मैंने दुकान खोली है मेन मार्केट में, कभी दर्शन देना तो मुझे अच्छा लगेगा। ये आपके लिए मिठाई। ठीक है। भैया कौन थे? भैया आताविश। सब ठीक है? कौन थे? अरे इनको ना, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन 4 साल बाद जब ये मेरे सामने आया ना, तब याद आया ये मुझे। मतलब ताबिश, जैसे अब तू काम कर रहा है ना मेरी दुकान पे, तो कुछ टाइम पहले ना ये ऐसे ही काम करते थे मेरी दुकान पे। फिर ना ऐसे हुआ था। सर बोल। एक बात पूछूं? पूछ। ये प्योर रूट्स का जो आता है सामान, इस पे क्या लेस आती है? तू क्या करेगा, तेरा क्या मतलब है इसमें? सर मैं सारी उम्र नौकरी थोड़ी करूंगा, अपनी दुकान भी तो करूंगा कभी ना कभी। अपनी दुकान करेगा? हैसियत है तेरी अपनी दुकान करने की? 25-30 लाख रुपए लगते हैं, अपनी औकात में रह के काम करा करो, आई समझ? रख इसको वापसी। सर ऐसा मैंने क्या पूछ लिया और आप मुझे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हैं? ये औकात क्या होता है? तमीज तू सिखाएगा मेरे को? निकल यहां से, चल, आने की जरूरत भी नहीं है, रखो हमारा सामान और चल। ठीक है सर, निकाल दो, लेकिन बदतमीजी से बात मत करो मेरे से। ओ तू सिखाएगा का तमीज? अब तेज आवाज में भी बोलने की औकात नहीं है तेरी जो तू बोल रहा है। अब जाएगा दूसरे तरीके से भेजू फिर। ठीक है, जा रहा हूं सर। तमीज सिखाएगा ये? आए बड़े तमीज सिखाने वाले हैं। पर ना अब 4 साल बाद जब मैं इनसे मिला हूं तो मुझे खुशी है, ये तरक्की करके आए हैं मेरे सामने,
और पता है इन्होंने तरक्की क्यों करी है? क्यों भैया? क्योंकि इन्होंने ना जो इनका अपमान हुआ था उसको पॉजिटिव वे में लिया, ना कि नेगेटिव वे में। और ना जो इन्होंने शोरूम खोला है ना उस पर ज़रूर जाऊँगा मैं। और मैं भी क्यों, तू भी मेरे साथ ही चलेगा? जी भैया मैं भी चलूँगा। ठीक है भाई। ठीक है भैया करो काम।